अब बेल पर बाहर आया केजरी को न सिर्फ कुर्सी गंवानी पड़ी, शीश महल से भी धक्के मारकर उसे बाहर कर दिया गया। बेल पर बाहर आए केजरी ने फेक नैरेटिव गढ़ना शुरू किया, उसे नरेंद्र मोदी ने जेल भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केजरी का पूरा कांड कर दिया है, अब केजरी को गुजरात पुलिस उठाकर ले जाएगी। इस देश की सुप्रीम अदालत ने अब केजरीवाल की चूलें हिला दी है, केजरी का कांड कर दिया है। नमस्कार, कैसे हैं आप? अभिषेक मनु सिंघवी के एहसान से सुप्रीम कोर्ट से मौज ले रहे केजरी को लगने लगा था कि अब वो छुट्टा सांड हो गया है। बेल पर बाहर आए केजरी ने एक ऐसा नैरेटिव गढ़ना शुरू किया कि मानो उसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने जेल में डाल दिया था। अब बेल पर बाहर आया केजरी को न सिर्फ कुर्सी गंवानी पड़ी, शीश महल से भी धक्के मारकर उसे बाहर कर दिया गया। केजरी ने एक धूर्तता, एक चालाकी की थी कि बड़ी चालाकी से वो शीश महल जो उसने बनाया था, उस शीश महल में सीधे अपनी मार्लिना को घुसा देगा और फिर वहां जो उसने चोरी लूटपाट किया है, जो आम जन के पैसे का दुरुपयोग करके वहां अय्याशी की है, उसके सबूत मिट जाएंगे। लेकिन रूल के मुताबिक पीडब्ल्यूडी विभाग के सुपुर्द करनी थी चाबी, पीडब्ल्यूडी विभाग ही मार्लिना को फिर वो घर सौंपता भावी चीफ मिनिस्टर को। वैसे चीफ मिनिस्टर का घर दिल्ली में फिक्स नहीं है, लेकिन केजरीवाल ने शरारत की कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने टोटी तक चुरा लिया था, वो टोटी चोर कहलाए, फिर उसी ढंग से अखिलेश यादव से चार कदम आगे चले गए, चारा चोर के पुत्र और लैंड फॉर जॉब मामले में एक्यूज्ड भारत के पूर्व बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, तो वहां पता चला कि उन्होंने 36-36 एसीयू खार लिए सरकारी क्वार्टर से, करोड़ों का माल जो सरकार के फंड से उस डिप्टी सीएम निवास में था वो सब उखाड़ कर ले गए। केजरी ने सोचा कि उसका ये सच सामने आएगा ही नहीं, क्योंकि वो मार्लिना को घुसा देगा, लेकिन वो सच भी सामने आ गया है, लेकिन हम आपको ये नहीं बता रहे। दरअसल बेल पर बाहर आए केजरी ने फेक नैरेटिव गढ़ना शुरू किया, उसे नरेंद्र मोदी ने जेल भेज दिया। अभी दो दिन पहले हवाला कारोबार में जेल गया सत्येंद्र जैन, 2.5 साल बाद बाहर आया जेल से। इन लोगों को लज्जा और शर्म नहीं आती, सत्येंद्र जैन को जेल के बाहर लेने के लिए मार्लिना को भेज दिया, टकले सिसोदिया को भेज दिया, और केजरी मौज ले रहा था, फिर कहा कि हम सबको जेल भेजा गया। अब जेल से बेल पर बाहर आए इन घृणित आरोपों के आरोपियों ने फेक नैरेटिव करना शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्माद मत फैलाना बेल पर बाहर आने के बाद, लेकिन इन सब ने उन्माद फैलाया, कायदे से सुप्रीम कोर्ट को तुरंत इन सब के बेल रिजेक्ट कर देने चाहिए। लेकिन अभी एक महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने केजरी का पूरा कांड कर दिया है, अब केजरी को गुजरात पुलिस उठाकर ले जाएगी और टिकट माफिया को भी, टिकट ब्लैकिया जिसे लोग कहते हैं, गुजरात पुलिस इसे उठाकर ले जाएगी और साबरमती जेल में अंदर कर देगी। वहां कौन मिलेगा? साबरमती जेल में आज की तारीख में इस देश में सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ लॉरेंस बिश्नोई है। जिस लॉरेंस बिश्नोई से कांप रहा है वो दबंग सलमान खान, जो तय करता था कि बॉलीवुड में किस फिल्म में कौन हीरोइन। दाऊद इब्राहिम के देश छोड़ने के बाद ये सलमान खान ही था जो तय करता था कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी को फिल्म मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिल्म में बॉलीवुड में हिंदू हीरोइन ही सिर्फ होगी, मुस्लिम हीरोइन नहीं। और इस हिंदू हीरोइन से उसके कैसे रिलेशन होंगे, ऐश्वर्या राय से लेकर के और शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी तक, ये तो कंगना रनावत ने थी कि इन सब का विरोध किया।
किस किस हीरोइनों के साथ क्या हुआ, अब वो सब कांप रहे हैं जिस लॉरेंस बिश्नोई से के नाम से। ये सलीम खान जो कह रहा है कि मेरा बेटा तो चीटी भी नहीं मारता, जिसके बेटे ने सड़क पर मजदूरों के शरीर पर गाड़ी चढ़ा करके उसे कुचल दिया, जिसके बेटे ने खुलेआम पब्लिक पार्टी में ऐश्वर्या राय को थप्पड़ मारा। एक से एक हीरोइनों की कहानियां हैं। वो सलीम खान खौफ में, लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में बंद है उसके खौफ में सलीम खान कह रहा है कि मेरा बेटा तो चिड़िया भी नहीं मारता, काला हिरन को मार करके उसका मांस खाने। काला हिरन ना सिर्फ बिश्नोई समाज के लिए बल्कि इस देश में काला हिरन की हत्या कानूनन जुर्म है, इसलिए नहीं कि बिश्नोई समाज उसकी पूजा करता है, क्योंकि घोर अहिंसक होते हैं बिश्नोई समाज के लोग, लेकिन इस देश में विलुप्त होता प्राणी है काला हिरन। और ये पढ़ लिख करके इस जाहिल जिहादी को ये पता नहीं था कि काला हिरन कब को नहीं मारा जा सकता। इसने काला हिरन पकड़ के मारा और उसका मांस खाया। अब ये चीजें उस फिल्म की हीरोइन और तमाम लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। तो कैटरीना कैफों के साथ क्या क्या करने वाले, पूरे बॉलीवुड को अय्याशी का अड्डा बना देने वाले दाऊद इब्राहिम के चेला बन करके और उस दाऊद इब्राहिम के संरक्षण में पल रहे बाबा सिद्दीकी को अपना बाप बनाने वाले, ये कहने लगे कि हम तो चिड़िया भी नहीं मार सकते। हम बात केजरीवाल पर कर रहे हैं लेकिन बात चूंकि लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है। इस देश की सुप्रीम अदालत ने अब केजरीवाल की चूलें हिला दी है, केजरी का कांड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर विवादित मामले में मानहानि का केस झेल रहे केजरीवाल को राहत नहीं दी है। दरअसल गुजरात की जिला अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ वारंट जारी किया हुआ है और ये सब अपने आप को सुपर हीरो समझने वाले, अपने आप को कानून से ऊपर समझने वाले केजरी गैंग के लोगों ने गुजरात हाईकोर्ट को ठेंगा दिखा दिया था, क्योंकि इन सबको लगता था कि हमारे पास अभिषेक मनु सिंघवी है, तो सिंघवी के बल पे कानून को ठेंगा दिखाने वाले, हर किसी का मान हानि करने वाले केजरी और उसके गैंग की पूरी हवा सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दी। ये सिंघवी साहब कमाल कर रहे हैं, केजरी को के साथ लगता है चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं और उनके मित्र तो और कहर ढा रहे हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड केजरी को मौज दिला रहे थे, बाहर घूम रहा है थोड़ा सा उत्पात करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को और संजय सिंह को गुजरात के कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है, दरअसल इन सब पर वारंट जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ अहमदाबाद की निचली अदालत में चल रही मानहानि के मामले की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ना सिर्फ वारंट, मतलब कहा कि ये सब क्या चाह रहे थे, ये सब शरारती गैंग ये चाह रहे थे कि लोअर कोर्ट में इस तरह का केस ही ना चले, मामले की कार्रवाई रोक दी जाए। अभिषेक मनु सिंघवी के बल पे केजरी ये चाह रहे थे कि इस देश में उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं हो। केजरीवाल चाहता है कि उस देश में वो उदंडता करे, बदमिजाजी करे, उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट, गुजरात कोर्ट का फैसला सही है, हम उसके ऊपर मानहानि के मामले में कार्रवाई पर रोक नहीं लगाएंगे, मतलब केजरी एंड गैंग के ऊपर मानहानि का मामला चलेगा। दरअसल इस देश में मोदी के मामले में फेक नैरेटिव बनाने का खेल चला और केजरीवाल एंड गैंग ने पिछले दिनों गुजरात यूनिवर्सिटी में नरेंद्र मोदी के डिग्री पर सवाल कर दिया। पीएम मोदी ने कहा था कि दरअसल 12th के बाद, मैट्रिक के बाद मैं स्कूल कॉलेज नहीं गया, मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया और गुजरात यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री ली। तो इस गैंग ने कह दिया कि गुजरात यूनिवर्सिटी का डिग्री फेक है, नरेंद्र मोदी अनपढ़ है,
और लगातार केजरीवाल ने नैरेटिव बनाया कि वो पढ़ा लिखा है और इस देश का प्रधानमंत्री मूर्ख है, गुजरात यूनिवर्सिटी ने उसे फर्जी डिग्री दी। इसी मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से केजरीवाल को नोटिस जारी कर दिया गया, जवाब नहीं दिया उसने तो मानहानि का केस कर दिया गया। इस मामले में केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का नेता जो है टिकट वाला संजय सिंह, इन सब पर मानहानि का मुकदमा किया और इस मानहानि के मुकदमे को अहमदाबाद की अदालत ने जस्टिफाई किया, सही माना और वारंट जारी कर दिया। ये सब वारंट पर पेश नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस पूरे मामले को खत्म कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल और संजय सिंह की इस पूरी अर्जी को खारिज कर दिया है। अब सोचिए, इतना ही नहीं हुआ, ये केजरी सनातन द्रोही, राम द्रोही, ये अयोध्या भी गया और अभी ये ट्वीट कर रहा है ये वैष्णो माता जा रहा है। केजरी ने कहा है कि वो वैष्णो देवी जा रहा है और वैष्णो देवी में माता का दर्शन करने के लिए। जरा इन सबको देखिए, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। केजरी अब ये सब पाखंड करना शुरू कर दिया, चलो बुलावा आया है, मतलब राम मंदिर में एक भगवान, मेरी नानी कहा करती थी, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, आप और आपका परिवार खुश रहे, माता का आशीर्वाद लेने के लिए पत्नी के साथ वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहा है। सब अब सनातनी बन रहे हैं। और ढोंग देखिए, ये मुरारी का बालक का वीडियो राजीव शुक्ला के चेले ने साझा किया है तो उसको केजरी ने साझा कर दिया कि गुजरात की सड़कें डैमेज है और कह रहा है कि मैं जेल, इसीलिए मुझे भेज दिया गया कि मैं, क्योंकि मैं जेल में रहूंगा तो काम नहीं कर पाऊंगा। अब इस केजरी गैंग ने फेक नैरेटिव घटना शुरू कर दिया है कि दरअसल वो जेल चला गया इसीलिए दिल्ली की सड़कें टूट गई, वो जेल चला गया इसीलिए यमुना साफ नहीं हो पाई। अब चूंकि छठ आ रहा है, इसकी जलालत होगी, तो इसने मार्लिना को चीफ मिनिस्टर बना दिया और कहा कि हम चूंकि जेल चले गए इसीलिए यमुना साफ नहीं हो पाया, हम चूंकि जेल चले गए इसीलिए सड़कें नहीं बन पाई। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुका, दरअसल केजरी का असली खेल अब हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि तुम्हारे ऊपर मानहानि का केस चलेगा, तो मानहानि का केस चलेगा, केस अंतिम कंडीशन में है, तो केजरीवाल के ऊपर अरेस्ट वारंट भी है, वो गिरफ्तार होगा और गिरफ्तारी के बाद उस ही साबरमती जेल में होगा और ईश्वर करे कि लॉरेंस बिश्नोई के सेल में ही इसको बंद कर दिया जाए, तो असली सनातन द्रोही, भारत द्रोहियों का ये नकाब ओढ़े इन सबको असली सजा होगी, क्योंकि अहमदाबाद में ही साबरमती जेल है, अहमदाबाद की कोर्ट ने इसको वारंट जारी किए हुए है, अहमदाबाद की कोर्ट में ही मामला चल रहा है, तो इसकी संभावना है कि साबरमती जेल इस मामले में सजा तो होगी, तो साबर उम्मीद करें कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग इलाज करें, कम से कम लॉरेंस बिश्नोई का खौफ तो होगा कि हम कम से, और कम से कम ये तो अर्जी लगाएगा कि अहमदाबाद से बाहर इसकी मामले की सुनवाई चले। लेकिन अब पूरे नग्न होने के बाद ये नैरेटिव कि हमको फेक मामले में जेल भेज दिया, सोचिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसके ऊपर केस बनता है तक केस खत्म नहीं करेंगे, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि इसके ऊपर केस बनता है, लेकिन ये सब नैरेटिव क्या बना रहे हैं कि हमें फंसाया जा रहा है, परेशान कर रहा है, उल जुलूल जिसके मन करे, जिसको मन करे, जो मन करे वो ये बोलता रहा। इसने सोनिया गांधी के खिलाफ बोला, इसने शीला दीक्षित के खिलाफ बोला, इसने चिदंबरम के खिलाफ कि सब चोर हैं, तो जो चोर हैं तुमने चोर कह दिया, तुम्हारे ऊपर कुछ हुआ नहीं। इसने अरुण जेटली को भी चिदंबरम समझ लिया, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समझ लिया, इसने नितिन गडकरी को भी वही समझ लिया, तो अरुण जेटली ने इसको कोर्ट में घसीटा तो माफी मांग करके बाहर आ गया। मक्कारी और झूठ का सिलसिला जारी रहा तो इसने नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगा दिया, गुजरात हाईकोर्ट पे भी, गुजरात के यूनिवर्सिटी पर भी, तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने इसके खिलाफ मानहानि केस कर दिया। अब इस मामले में इसका जेल जाना तय है, तो गुजरात मामले में, गुजरात यूनिवर्सिटी की मानहानि के मामले में केजरी जब जेल जाएगा तो साबरमती जेल में ही होगा और साबरमती जेल में ही उसका सामना लॉरेंस बिश्नोई से होगा, जिस लॉरेंस बिश्नोई के खौफ में पूरा जिहादी वुड कांप रहा है, सलमान खान जैसा दबंग कांप रहा है, जिसके खौफ से पूरे बॉलीवुड में लोग
बताह बने रहते थे, जिसके खौफ से हीरोइनें डरी रहती थी और अपने आप को समर्पित करते रहती थी, जिसके खौफ से ऐश्वर्या राय थप्पड़ खा करके भी चुप रही, कैटरीना कैफ चुप रही, और जिसके खौफ से ये था कि शत्रुघ्न सिन्हा किस कदर लाचार हुए वो सब देख रहा है। उस दबंग का कि दबंगई जाना, उस सलीम जावेद की जोड़ी वाला जिसका बाप है वो कह रहा है कि चिट्टी भी नहीं मारता था, तो फिर इतना डर क्यों रहा है जो बिग बॉस में डर दिखा रहा है। तो यदि ऐसा ही डर भारत द्रोही सनातन द्रोहियों को इस लॉरेंस बिश्नोई से हो रहा है तो ये डर अच्छा है। लेकिन केजरी का डर यही नहीं है, ये वैष्णो माता ऐसी नहीं जा रहा, ऐसे नहीं ये सनातनी हो गया है। जरा आप देखेंगे तो आप समझ में आएगा। स्वाति मालीवाल ने आज ट्वीट किया और यही ट्वीट चौतरफा फैल रहा है, इसका फरेब और इसकी मक्कारी सामने आ रही है। मालीवाल ने ट्वीट किया 5.6 करोड़ के रिमोट वाले पर्दे। सोचिए इस देश की जनता को ऐसे ऐसे लोगों को वोट देने के लिए में 100 बार सोचना चाहिए, और क्यों जनता को सड़क पे आना चाहिए ऐसे मक्कारों के खिलाफ। ये अन्ना आंदोलन के कोख से निकला, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला करके निकला, 2 बेडरूम से ज्यादा का बड़ा घर किसी को नहीं होना चाहिए ऐसा नैरेटिव करके निकला, गाड़ी सरकारी सुविधाएं क्यों लेना चाहिए ऐसे ऐसे नैरेटिव चला। उसके शीश महल में जो सामान्य सा घर था शीला दीक्षित का, शीला दीक्षित बाथरूम में एसी लगाती है ऐसा कहकर शीला दीक्षित का चरित्र हनन किया। संदीप दीक्षित को चाहिए कि इसका कॉलर पकड़ के इससे सवाल करे कि ये सब क्या है। अब स्वाति मालीवाल लिख रही है कि 5.6 करोड़ के रिमोट वाले पर्दे। अब सब चीजें क्यों आ रही है, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर के घर में जो अयासी का अड्डा जो बना रहा था, जहां पर पटक पटक के स्वाति मालीवाल को इसने मरवाया था अपने विभव से, उस घर में कोई घुस करके कैमरे से ये नहीं बतावे कि कहां कहां क्या लगा हुआ है, क्या क्या इसने घर से निकाल लिया ये नहीं पता चले, इसलिए इसने अपने चेली को सीधे उस घर में घुसवा दिया। लेकिन पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने मार्लिना से घर खाली करवाया, कहा ठीक है तुम्हें मिलेगा लेकिन पहले नियम कानून के तहत। तो इस बीच में जब पीडब्ल्यूडी के पास घर आया तो साक्ष्य सामने आया, उसको खोल रही है स्वाति मालीवाल। स्वाति लिख रही है कि 5.6 करोड़ के रिमोट वाले पर्दे। सोचिए 6-6 करोड़ रुपए के पर्दे रिमोट से चलने वाले, 1 करोड़ की रेलिंग, ये नैतिकता भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाने वाला है केजरी। 70 लाख के ऑटोमेटिक दरवाजे, सोचिए 65 लाख के टीवी, ओ हो 65 लाख के टीवी, कौन सा टीवी होगा भाई, 30 लाख की रिमोट कंट्रोल लाइट, 12 लाख की टॉयलेट सीटें जो गायब बताई जा रही है, मतलब टोटी चोर की तरह इसने भी वहां से उठा करके ले गया है, 9 लाख का फ्रिज, 4 लाख की मसाज वाली कुर्सी और ना जाने क्या क्या, ये केजरी के शीश महल में था। जिस महापुरुष ने यह महल बनाया, ये स्वाति मालीवाल, उसी महापुरुष ने शीला दीक्षित के घर में लगे 10 AC पर सवाल किया था कि शीला दीक्षित 10 AC क्यों लगाती हैं, कौन भरता है इसका बिल, मैं और आप भरते हैं, ये केजरी ने उस समय शीला दीक्षित का चरित्र हनन करते हुए कहा था। मेरा तो कलेजा कांप उठता है यह सोच करके जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है तब कोई मुख्यमंत्री कैसे ऐसे आलीशान घर में रह सकता है। अब लोगों ने कुछ कॉमेंट्स किए हैं, इसके चेहरे को देखिए, लोगों ने सवाल किया केजरीवाल का ड्रामा बेनकाब। अब इस केजरी का पूरा जरा सा पुराना देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीजों को देखने के बाद भी इसके खिलाफ ये ऑर्डर दिया है कि गुजरात के कोर्ट में बंद होगा, गुजरात के जेल में बंद होगा, और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ इसका इलाज कोई कोर्ट नहीं कर सकता, ऐसे लोगों का इलाज सिर्फ वो कर सकता है जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई। अब जरा सुनिए इसके ढोंग को और फिर स्वाति मालीवाल ने जो ट्वीट किया उससे इसको जोड़िए, जरा इसके ढोंग को सुनिए। व्यवस्था जो है इसमें ऐसा होना चाहिए कि हमारी इस राजनीतिक विकल्प का अगर कोई भी व्यक्ति संसद में या विधानसभा में जाता है तो कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं होनी चाहिए उसके पास, कोई बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए उसके पास, वो एक कमरे के फ्लैट में रहे आम आदमी की तरह, कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी जनता के लिए होनी चाहिए, इन नेताओं के लिए नहीं होनी चाहिए, उसका जितना कोटा है वो सब कैंसिल होना चाहिए, MP MLA फंड नहीं होना चाहिए, मैं लाल बत्ती लूंगा। कितना हमारा ढोंगी है और अपने चेले चपाटे पत्रकारों से इंटरव्यू करवाता, और ये वाला इंटरव्यू देखिए वो आशुतोष का है जिसने IBN 7 को केजरीवाल का एजेंडा चलाने का मंच बना दिया, इसलिए क्योंकि उसको
इन फ्यूचर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा जाना था और केजरीवाल ने इसका जमकर इस्तेमाल किया। पूरे आईबीएन 7 को संपादक रहते हुए इस आशुतोष ने केजरीवाल के सुपुर्द कर दिया और अपने नाम में गुप्ता जोड़ करके चुनाव मैदान में उतर गया। अब ये कितना लहालोट हो रहा है आज सत्ता के खिलाफ और ये सब चीजें बड़ी बड़ी बातें करने वाला आशुतोष इससे बात करते हुए कैसे लहालोट हो रहा है, जरा उसके चेहरे पर भी देखिएगा और केजरी की बात पर भी सुनिए। ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। इसका एफिडेविट मैंने फाइल किया और एफिडेविट की कॉपी मैंने अपनी विधानसभा में हर घर में पहुंचाई है। तो अगर मैं कोई लूंगा तो लोगों ने, मैं अभी विधानसभा में जब चक्कर लगा रहा था, दायित्व होगा आपको देना, तो मैं लूंगा ही नहीं उसे। तो वो जब मैं अगर लूंगा तो वो लोग सब, कईयों ने मेरे को कहा जी आपका एफिडेविट संदूक में रख लिया, कल को लोग जरा इसके चेहरे को देखिए, जरा इसके चेहरे को कितना लहालोट है सुन करके। लेकिन सरकार का दायित्व होगा, हम तो चमचागिरी भी करेंगे, सरकार का दायित्व होगा आपको आपको देना। ये चिरकुट छुट्टागिरी के धंधे में लगने वाले लोग ये सब समझ लीजिए कि ये सब पत्रकारिता कर रहे थे और जिस समय ये इंटरव्यू ले रहा है उस समय आईबीएन 7 का मैनेजिंग डायरेक्टर है हिंदी वाले का, अंग्रेजी वाले का वो राजदीप सरदेसाई हुआ करता था। इन सब ने मिलकर केजरी का महिमा मंडन किया इस आंदोलन के लिए, राज्यसभा जाने के लिए। फिर आशुतोष गुप्ता बना और चुनाव लड़ा। इसके लहालोट को देखते रहिए और कल को लोगे तो हम ला के दिखा देंगे। तो इस पार्टी से जो जो नेता जीत के आएंगे, जो जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। ये कह रहा कि कोई बड़ा बंगला नहीं लेगा और इसने क्या किया, पूरा शीश महल को अड्डा बना दिया और ये लोग जो हैं अब सीएम कुर्सी गई, शीश महल भी गया। अब लोग जो स्वाति पे कमेंट्स कर रहे हैं उस पूरा देखिए, अब तब वो पुराना ट्वीट लोगों ने निकाल करके दिया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर जो 10 एसी लगे हैं, ये केजरी का ट्वीट है भाई साहब, डेट देख लीजिए, सोशल मीडिया के दौर में कुछ भी नहीं छुपता। ये 27 अक्टूबर 2013 को जब ये चीफ मिनिस्टर बना था तब का है। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर में जो 10 एसी लगे हुए हैं, मैंने तो सुना है उनके बाथरूम में भी एसी लगा हुआ है। ये उस समय का है जब शीला दीक्षित का घर में ये नहीं जा रहा था और कह रहा था कि उतनी बड़े घर में हम नहीं रहेंगे। मैंने सुना है उनके बाथरूम में भी एसी लगा हुआ है। कौन भरता है उनके एसी का बिल, मैं और आप भरते हैं। मेरा तो कलेजा कांप उठता है यह सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है तब कोई मुख्यमंत्री कैसे आलीशान घर में रहता है। इस आदमी को रत्ती भर शर्म नहीं आई, रत्ती भर शर्म नहीं आई। और इसने ये पूरा पोल कैसे खोला, आज यमुना जिस तरह से गंदी है उसका क्या होगा, अब जरा सा इसको स्वाति सुना नहीं। पहली डुबकी खुद लगाएंगे, डुबकी चाहे अब मत लगाओ, अहंकार छोड़ो, काम पर लग। थैंक यू। यमुना के किनारे बैठी अब भी वो सोचिए, और ये आदमी यमुना की क्या दुर्दशा हो गई है जरा सा इसको सोचिए। तब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को समझना क्यों जरूरी है, जरा सा देखिए कि यमुना अभी छठ होनी है और ये यमुना की दुर्गति है, ये यमुना के हालात हैं। ये 2013 में 5 साल का समय मांगा, फिर 2015 में भी 5 साल का समय मांगा कि 5 साल में यमुना टेम्स नदी बना दूंगा मैं। ये यमुना की स्थिति है, ये यमुना है। और ये कह रहा है कि मैं चूंकि मुझे जेल भेज दिया गया इसीलिए मैं यमुना की सफाई नहीं कर पाया। ये 11 साल से, लगभग 11 साल से इसके पास सत्ता है। 2013 में बना, फिर कुछ महीने के लिए राष्ट्रपति शासन, उपराज्यपाल का शासन रहा, और उसके 2015 में फिर ये सरकार बना करके आ गया। 2013 में कांग्रेस के सहयोग से बनाया, फिर प्रचंड बहुमत जीत गया पब्लिक को मूर्ख बना करके, और ये दुर्गति है। ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या इस, मतलब इस स्थिति में देखने से लग रहा है कि दरअसल जैसे कोई बर्फीली जगह है, बर्फ की परतें आपको दिखाई दे रही होगी। ये धरती के सबसे गंदी नाला बना दिया इस केजरी धूर्त ने, और ऐसे ऐसे फेक नैरेटिव गढ़ता है। अच्छी बात यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने इस केजरी को बेल दिया, जिस सुप्रीम कोर्ट ने इसे चुनाव प्रचार करने के लिए, खेलने के लिए दिया, कम से कम ये केजरी गैंग अब ये तो नहीं कह सकता कि इस देश की अदालत ने भी उसे परेशान किया।
इस देश की अदालत ने तुम्हें छुट्टा छोड़ दिया, जाओ बेटा जाके चुनाव प्रचार करो। अंडर ट्रायल एक्यूज्ड को सिर्फ इसलिए दिया कि चुनाव प्रचार कर सके। ये चुनाव प्रचार किया और दिल्ली की जनता ने इतना बड़ा लड्डू दिया लोकसभा में। इसने कहा कि यदि आप हमें जिता देंगे तो हम जेल वापस नहीं जाएंगे। इसे फैसला आने से पहले जेल जाना पड़ा और उसके बाद फैसला आया तो दिल्ली की जनता ने सातों सीट से इसकी जमानत जब्त करवा दी। फिर ये हरियाणा में फुदकने लगा, हरियाणा में नोटा से भी कम वोट मिले। लेकिन नैरेटिव देखिए दिल्ली में क्या गढ़ रहा है कि हम चूंकि बढ़िया काम करते हैं इसीलिए हमें जेल भेज दिया गया, जबकि सच ये है कि मक्कारी और झूठ का खेल है। जिस शीला दीक्षित की सरकार ने दिल्ली का कायाकल्प किया, उस शीला दीक्षित के खिलाफ इसने झूठ और मक्कारी किया। ठीक है कि भाजपा के दिल्ली के नेता अयोग्य हैं इसलिए दिल्ली की जनता पसंद नहीं कर रही, लेकिन शीला दीक्षित एक काबिल नेत्री थी, भले ही वो कांग्रेस पार्टी की थी। शीला दीक्षित ने अपने 10 साल के कार्यकाल में दिल्ली का कायाकल्प कर दिया था, उस दिल्ली को इसने तबाह और बर्बाद कर दिया शीला दीक्षित पर गंदे और झूठे आरोप लगा करके। ये झूठे आरोप का धंधा करता था शीला दीक्षित ने, इसके खिलाफ मानहानि नहीं किया। कम से कम संदीप दीक्षित को चाहिए कि इससे मानहानि करे और इसे घसीट कर जेल में बंद करवाए। अच्छी बात यह है कि गुजरात हाईकोर्ट, गुजरात की यूनिवर्सिटी ने इसके खिलाफ जो मानहानि किया है उस मानहानि पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी और कहा कि ट्रायल बंद नहीं होगा। गुजरात की अदालत में इसके खिलाफ गंभीर मामले के तहत वारंट जारी हुआ है। उम्मीद करें कि साबरमती जेल में इसका इलाज बेहतर तरीके से, ऐसे ऐसे लोगों का इलाज लॉरेंस बिश्नोई करें। लॉरेंस बिश्नोई आजकल नायक बने हुए हैं, कई बार 70 के दशक में ऐसे नायक होते थे। ऐसा ही नायक के लिए दाऊद इब्राहिम हो सकता है कुछ लोगों का। पब्लिकली प्रधानमंत्री गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के सामने खड़ा होकर कोई सलमान खान ये कह सकता है कि आपका जैसा नेता नरेंद्र मोदी है वैसे ही मेरा नेता बाबा सिद्दीकी है, तो यदि तुम्हारा नेता बाबा सिद्दीकी हो सकता है तो इस देश का एक बड़े वर्ग जो अहिंसक है, जो सनातनी है, जो राष्ट्रवादी है, यदि कोई ऐसे राक्षसों का नष्ट कर रहा है तो 70 के दशक में अमिताभ बच्चन को तो ऐसे ही नायक माना जाता था। तो कुछ ऐसे ही नायक, ऐसे खलनायकों का इलाज करें, हम यही चाहते हैं। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसके कंटेंट पसंद आए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए जरूर ताकि आपको नियमित रूप से नोटिफिकेशन मिले, और ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए ताकि आपके कमेंट्स हम देख सकें, पढ़ सकें और लाइव के दौरान भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद।